बंडा, रविवार को चयनित शिक्षक संघ के शिक्षकों ने बंडा विधायक तरवर सिंह से लोधी के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षक HST के 19,220 पदों और माध्यमिक शिक्षक MP के 11,374 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद नियुक्ति संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को कोरोना महामारी तथा उपचुनाव आदि का बहाना बनाकर बार बार रोक दिया गया। इस विषय में मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के हर जिले से ज्ञापन दिया जा चुका है। वर्तमान समय में 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, जिससे अकारण ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अटकी हुई है। चयनित शिक्षक बेरोजगार होकर आज भी अपनी मांगों को लेकर यहां वहां भटक रहे हैं। शिविर भर्ती मांग को शीतकालीन सत्र में तारांकित प्रश्न के रूप में लगाएं। बंडा रिपोर्टर टीकाराम साहू। 2018 के पूर्व स्कूली शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB के माध्यम से उच्च माध्यमिक के 19,220 पदों और माध्यमिक शिक्षक MST के 11,374 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद नियुक्ति संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को कोरोना महामारी तथा उपचुनाव आदि का बहाना बनाकर बार बार रोक दिया गया। अरे हम टाइपिंग बना कर रहे हैं। इसके साथ में मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के हर जिले से ज्ञापन दिया जा चुका है। वर्तमान समय में 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, जिस कारण ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अटकी हुई है। फलस्वरूप 30,594 चयनित शिक्षक बेरोजगार होकर आज भी अपनी मांग को लेकर भटक रहे हैं। भर्ती की मांग को शीतकालीन सत्र में तारंगत प्रश्न के रूप में लगाएं, यह मान्यवर से हम सभी लोगों का विनम्र अनुरोध है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने जो शिक्षकों को लेकर जो मतलब वादा किया था कि, तो उसी समय ये जो शिक्षकों का चयन हुआ था जिसमें 30,900 थे पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन किसी कारणवश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भाजपा पार्टी के माध्यम से गिराई गई और अब उन पूरे 30,900 जो चयनित शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। उसी संबंध में आज हमारे बंडा और सागर के सभी जो चयनित शिक्षक हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है कि आप इस ज्ञापन के माध्यम से जो विधानसभा सत्र जो शुरू होने जा रहा है फरवरी में, मतलब ये 22 फरवरी से चलेगा, उसमें आप एक तारांकित प्रश्न रखें जिसमें जितने भी जो शिक्षकों का चयन हो गया है उनकी भर्ती कराई जाए। आज जो विधायक जी को ज्ञापन सौंपा, किस विषय में दिया आप लोगों? शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण करने के संबंध में विधानसभा सत्र के पूर्व तारांकित प्रश्न के विषय पर हम लोगों ने विधायक जी को ज्ञापन दिया है। अगर आपकी मांग पूर्ण नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? इसके उपरांत, ज्ञापन के उपरांत भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम एक दिवसीय धरना, जिला धरना का कार्यक्रम 5 फरवरी को रखने वाले हैं।